आगरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी की वारदात करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग से 2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, 10 बैटरी और 33,000 रुपए बरामद की है। ये गैंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करने वाले गोदाम में ही काम किया करता था। पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा पुलिस के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल कंपनी के गोदाम में इलेक्ट्रिक बाइक चोरी हो गई थी और कई इलेक्ट्रिक बाइकों की बैटरी चली गई थी। आगरा पुलिस ने इस पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों में से 2 लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल करने वाली कंपनी के ही कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने बाहरी साथियों की मदद से इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरी की गई 5 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक में से 2 को बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त नगर विकास कुमार ने बताया कि इलेक्ट्रिक बाइक के गोदाम में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने अपने साथियों की मदद से इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 2 इलेक्ट्रिक बाइक बरामद की हैं, इसके अलावा 10 बैटरी अभी पुलिस ने बरामद की है। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। 19 जनवरी को थाना ट्रांस यमुना पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि गोडाउन जहाँ पर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोर रहते थे, वहाँ से 8 वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर पुलिस हरकत में आई और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने वाहन चोरी की थी, और उनके कब्जे से 5 इलेक्ट्रिक वाहन बरामद किए गए और साथ में 7 बैटरियां बरामद की गई और उनके कब्जे से 32,160 रुपये बरामद किए गए। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है ओमकार सिंह, जो कि इतमदौला के रहने वाले हैं, और अरुण सोनी, ये हरिपर्वत का, और फरदीन अली, ये भी इतमदौला का रहने वाला है। इन 3 गिरफ्तार किया गया है और इनके निशानदेही पर इनके कब्जे से कुल 5 वाहन अभी तक बरामद किए गए। अपराधिक इतिहास की बात करें तो सर क्या है? ये अपराधिक इतिहास अभी तक कुछ संज्ञान में नहीं आया है, पुलिस पता लगा रही है। ये लोग वहाँ काम करते थे और काम करने के दरमियान इन्होंने ये प्लान बनाया था अपने और बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर और इस घटना को अंजाम दिया था। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।